दरवाजा जो है वो बंद कर लेना है और अटेंडेंट पास होना जरूरी है। फिजिकली आप आईना करें, क्रोनिंग इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इसमें हेड जो है नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये नॉर्मल डिलीवरी है। तो इसमें आपने देखना है एमनियोटिक सैक जो है वो रप्चर हुई है कि नहीं हुई, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी तरह ही आपने फिर इसको जस्ट सपोर्ट करना है, नेचुरल मेथड है, नेचुरली बेबी ने जो है वो बाहर आना है, आपने उसको पुल नहीं करना, जस्ट आपने सपोर्ट करना है। बेबी जैसे ही हेड उसका बाहर आता है, फौरी तौर पर आपने क्या करना है, बल्ब सकर लेना है, इसको प्रेस करना है और इस पे मुंह को आपने सिरा सक्शन करनी है, फिर एम्प्टी करना है, फिर नोस्टर से बारी बारी दोनों साइड से। क्लियर? यस सर। फिर ये बेबी जो है पूरा पोजीशन अपनी चेंज करेगा, इस तरह घूम जाए, ठीक है। आपने उसको हेड को और बॉडी को सपोर्ट करना है। बेबी डिलीवर हो गया, आपने इसको फौरी तौर पर मदर के लेवल पे जो है उसको लटा देना है और फिर फौरी तौर पर अगेन आपने उसको सक्शन करना है माउथ से, नोस्टिल, वेन नोस्टिल, और बेबी जो है इसको आपने क्या करना है, अब न्यू बॉर्न के भी साथ स्टार्ट हो गई है, इसको फौरी तौर पर आपने लेना है बेबी को, इसको नरम कपड़े से, टॉवल से या नैपकिन से आपने इसको साफ करना है, बेबी से निकली होगा जरा एहतियात से, इसको साफ करना है और फौरी तौर पर इसको टॉवल के अंदर जो है आपने लपेट देना, ठीक है, और इसको मदर लेवल के ऊपर ही रखना है। क्लियर? बॉडी टेम्परेचर आपने उसको टॉवल में लपेट के उसका मेंटेन करना है और ये क्या रहे, एनवायरनमेंट जो है वो कूल नहीं होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, रूम टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। क्लियर? और साथ ही आपने फिर क्या करना है, जो वजाइनल ओपनिंग है इस पे नैपकिन जो है सेंट्री नैपकिन वो रख देनी है। क्लियर है? ताकि जो ब्लड आ रहा है वो वहाँ पर अब्जॉर्ब होता रहे। अगर एमनियोटिक सैक जो है जिसमें बच्चा लिपटा होता है वो रप्चर नहीं हुई तो फिर आपने पिंच करके उसको रप्चर करना है। क्लियर? और जल्दी से उसको हटा देना है और बेबी को डिलीवर करवाना। क्लियर? अब आपने इसकी पल्स चेक करनी है, पल्स चेक करनी है, अगर पल्स आना बंद हो गई है तो आपने बेबी की तरफ से 4 इंच के फासले पर एक कॉर्ड क्लैंप जो है वो लगा दी, ओके, उससे आगे जो है 2 इंच आगे से 6 इंच, और पहली जो है 4 इंच पर, अगली 6 इंच पर, यानी 2 इंच के फासले पर आपने एक और लगा दिया। इसी तरह तीसरी जो है 2 इंच फर्दर आगे, यानी कि 8 इंच के फासले पर एम्प्लाइकस ये आपने लगा दिया, और फिर आपने 6 और 8 के दरमियान उसको चेक करना है, पल्स नहीं आ रही तो आपने इसको काट दिया। क्लियर है? काटने के बाद आपने बेबी जो है वो मदर के हवाले कर देना, लेकिन उससे पहले आपने उसकी एपिकार स्कोरिंग करनी है। क्या करनी है? एपिकार स्कोरिंग। इसे क्या बनता है? अपीयरेंस। इसके एपिकार स्कोरिंग के टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं, 0, 1 और 2, ईच फैक्टर जो है उसके 0, 1 और 2 पॉइंट्स हैं। अगर बेबी का कलर टोटली ब्लू है तो फिर 0 पॉइंट, अगर उसका ट्रंक जो है वो पिंक है और एक्सट्रीमिटी ब्लू है तो 1 पॉइंट देना है, अगर टोटल बॉडी पिंक है तो फिर आपने 2 पॉइंट देने हैं। पीछे क्या बनता है? पल्स। अगर पल्स उसकी नहीं आ रही तो 0 पॉइंट, अगर 100 से कम है
तो 1 है, अगर पल्स रेट 100 से ज्यादा है तो फिर 2 पॉइंट। इसको आप स्टेथोस्कोप की मदद से आप उसकी चेस्ट से हार्ट बीट को सुन सकते हैं, क्लियर। और उसके बाद जी बनता है ग्राइमेस, मतलब इरिटेबिलिटी, बेबी जो है वो कितना क्राई कर रहा है, नो क्राई 0 पॉइंट, वीक क्राई 1 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग क्राई 2 पॉइंट, ठीक है, ये ग्राइमेस हो गया। उसके बाद चौथी चीज क्या है, एक्टिविटी मसल टोन। उसमें अगर बेबी में फ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, सीधा लेटा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो 0 पॉइंट। अगर लिटिल फ्लेक्शन है, थोड़ा वो अपने एक्सट्रीमिटीज को इस तरह फ्लेक्स कर रहा है, तो 1 पॉइंट है। और अगर स्ट्रॉन्गली फ्लेक्स कर रहा है, आप उसको खींचते हैं और वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो फिर 2 पॉइंट्स है, ठीक है। ये आपने मसल टोन उसकी चेक करना है। और एंड पे क्या चीज़ है, रेस्पिरेशन। अगर उसकी बिल्कुल क्राई नहीं है तो 0, अगर वीक क्राई है तो 1 पॉइंट, अगर स्ट्रॉन्ग क्राई है तो फिर 2 पॉइंट्स। तो इस तरह टोटल 10 पॉइंट्स बनते हैं। अगर 8 या उससे ऊपर है तो बेबी जो है वो नॉर्मल, क्लियर है। और अगर 8 से कम है तो बेबी को सपोर्ट चाहिए, उसको ऑक्सीजन रिक्वायर है। और अगर उसकी पल्स 60 से कम है, पल्स 60 से कम है, तो फिर उसको फौरी तौर पर क्या रिक्वायर है, CPR, फौरी उसका CPR स्टार्ट कर दें। और CPR में हम कितनी रेशो रखेंगे, 3:1, कितनी रेशो रखेंगे, 3:1, 3 कंप्रेशन 1 वेंटिलेशन। इस तरह आपने बेबी को पकड़ लेना है इस तरह करके, ठीक है। आप 1, 2, 3, और दूसरा जो साथी है वो वहां से उसको वेंटिलेट करेगा, 1, 2, 3 वेंटिलेशन, 1, 2, 3 वेंटिलेशन, और 1 मिनट के बाद आपने रीअसेस करना है उसकी पल्स, ठीक है। और अगर पल्स 60 से ज्यादा हो गई है, ठीक है, लेकिन 100 से भी कम है, तो उसको ऑक्सीजन रिक्वायर है। और अगर 60 से स्टिल कम है तो आपने CPR करते हुए उसको हॉस्पिटलाइज करना है, क्लियर है। और अगर बेबी नॉर्मल है, उसने 8 से ज्यादा स्कोर लिया है, तो बेबी जो है उसको आपने मदर के हवाले कर देना है, वो उसको फीड करवा, समझ लगी बात। और फिर आपने वेट करना है प्लेसेंटल स्टेज का, जो 15 से 60 मिनट में होती है, ठीक है, 15 मिनट से लेकर 60 मिनट तक। तो आपने उसका वेट करना है, जैसे ही कॉर्ड एक्सटेंशन स्टार्ट होती है, ये एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है, तो मतलब है कि प्लेसेंटा बाहर आ रहा है, पेन्स उसी तरह रिटर्न होगा, जैसे डिलीवरी के टाइम पेन्स हो रही थी, वैसे ही पेन दोबारा आना शुरू होगा। तो आपने प्लेसेंटा डिलीवर करवाना उसी तरह ही, प्लेसेंटा पकड़ लें, इसको चेक करें, इसके टिश्यू को डैमेज तो नहीं है, सारे पार्ट्स इंटैक्ट हैं, ये इंटैक्ट है, कहीं से कोई दो थोड़ा निकला तो नहीं है, ठीक है। या आपने इसको अच्छी तरह चेक कर लेना है, और चेक करके आपने इसको पकड़ना है, पॉलीथीन बैग जो मैंने पहले बताया था वो आपके पास अवेलेबल होगा, इसको आपने पॉलीथीन बैग के अंदर इसके अलावा जो मेलोटिक सैक है, जो भी आफ्टर बर्थ्स हैं, या आपकी जो सैनिटरी नैपकिन है, घास पीस हैं, वो ब्लड से भर गए हैं, उनको भी इसी में डालना है, ठीक है। जो भी आफ्टर बर्थ्स आती हैं वो सारी इसके अंदर डाल के आपने इसको ऊपर से सील कर लेना है, और मदर के साथ ही आपने इसको हॉस्पिटलाइज करना है, ताकि वहाँ पे लेडी डॉक्टर जो हैं वो इसको चेक कर लें, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, फर्दर जो प्रोसीजर रिक्वायर है वो कर सकें। समझ लगी बात की। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू अंदर रह गया तो वह इन्फेक्शन का बाइस बनेगा और फर्दर कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको हम साथ लेकर जाएं और डॉक्टर के हवाले करें, क्लियर है जी। और साथ ही आपने मदर जो है उसको हाई फ्लो रेट पे ऊपर ऑक्सीजन शुरू में लगा देनी है। एक बात का ख्याल रखना है, दो तीन चीज़ें हैं,
कि बाज़ बाज़ जो है वो ख़वातीन डिलीवरी नहीं करवाना चाहती, शाये होती हैं या कोई एथिकली उनको बेहतर फील नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पर उनको इत्माद में लेना बहुत ज़रूरी है, उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, उनके अटेंडेंट साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें वो अपनी लेग्स जो हैं वो स्ट्रेट करके या क्रॉस कर लेती हैं ऐसे, और डिलीवरी को डिले करने की कोशिश करती हैं। ऐसा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी, उसमें बच्चे का नुकसान हो सकता है, इवन मदर का भी नुकसान हो सकता है, तो ऐसा करने की इजाज़त नहीं देनी। आपने मदर को कहना है जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करती हैं आपके वो पोजिशन, समझ लगी बात की। और इसके अलावा जो है जब मदर बोल रही है डिलीवरी से पहले कि मुझे वॉशरूम जाने की हाजत हो रही है, बाउल मूवमेंट हो रही है, तो आपने मदर को वॉशरूम जाने की परमिशन नहीं देनी। बेसिकली ये बाउल मूवमेंट वो स्टूल पास करने वाली नहीं है, ये रेक्टम जो है ये यूट्रस के नीचे होता है, बच्चादानी के नीचे बैक साइड में होता है। तो जब प्रेशर पड़ता है ऊपर से, मूवमेंट स्टार्ट होती है, रेक्टम के ऊपर प्रेशर आता है और लेडी फील करती है जैसे उसने वॉशरूम जाना है, तो आपने उसको जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी। क्लियर है जी? इन बातों का आपने ख्याल रखना है, और आपने प्राइवेसी को इंश्योर करते हुए, डॉक्यूमेंटेशन करते हुए और ऑन गोइंग असेसमेंट, आपने उसके दोबारा वाइटल साइंस चेक करने हैं, ठीक है, और ब्लीडिंग वगैरह अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको देखना है। क्लियर है? Yes. और जल्द अज जल्द आपने उसको हॉस्पिटलाइज कर, ओके जी। Yes, sir. बंद कर।